गुड मॉर्निंग एलकेजी क्लास। चलिए आप लोग हिंदी की बुक शब्द गंगा निकाल लीजिए। पेज नंबर 23 ओपन कीजिए। पेज नंबर 23। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको पेज नंबर 2121 और 2222 करवा दिया था। आज हम पेज नंबर 2323 करेंगे। आई से करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, ड के बाद कौन सा वर्ण आता है? ड के बाद कौन सा वर्ण आता है? तो हम पहले क्या करेंगे, कौन सा वर्ण आता है? ठ, ल, ढ। ड के बाद कौन सा वर्ण आता है? ठ से ढक्कन ढ। ज, प्रश्न नंबर 2, ज के बाद कौन सा वर्ण आता है? ज के बाद कौन सा वर्ण आता है? ज के बाद झ, तो झ पे टिक करेंगे। य के बाद कौन सा वर्ण आता है? कौन सा वर्ण आता है? र, भ, म। तो कौन सा वर्ण आता है? र, र पे टिक करेंगे। ये हो गया पहला, सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। अब दूसरे पे आ जाइए। इनसे पहले आने वाले वर्ण लिखिए। अब इनसे पहले, जैसे ग, ग से पहले कौन सा वर्ण आता है, कौन सा अक्षर आता है वो लिखना है। ठ, ठ से पहले कौन सा वर्ण आता है, अक्षर आता है वो लिखना है। य, य से पहले कौन सा वर्ण या अक्षर आता है वो लिखना है। तो लिखते हैं, ग से पहले क्या आएगा? ख, ख के बाद ही न ग आता है तो ख। ठ, ठ के पहले क्या आएगा? ट, ठ। तो यहाँ क्या लिखाएगा? ट। य, य के पहले क्या आता है? म, म के बाद क्या आएगा? य। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? म। ल, ल के पहले कौन सा अक्षर आएगा? र। श, श के पहले कौन सा अक्षर आएगा? व, व से वक। व, व के पहले कौन सा यहाँ अक्षर आएगा? ल। तो ये हमारा इनसे पहले आने वाले वर्ण लिखो कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे आइए, एक सी ध्वनि वाले शब्दों को सुमेल कीजिए। अब एक जैसा शब्द जिससे निकलेंगे उससे मिलाएंगे, ओके। तो पहला क्या है? बल। अब बल जैसा मिलता हुआ शब्द क्या आएगा? बल से छल। इसे मिलाइए, बल छल। पढ़ चढ़। खत छत। पत छत्र या छत, तो छत्र। तो ये हमारा एक सी ध्वनि वाले शब्द को सुलेमित कीजिए, ये हो गया। अब इसके नीचे आइए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, ये आपका होमवर्क है, ये आप अपने घर से करेंगे HW में। दो अक्षर वाले बिना मात्रा के दो शब्द लिखिए। ट से न तक वर्ण लिखिए। तो ये आपका होमवर्क है, आप अपने घर पे करेंगे। ये मैंने आपको अभ्यास युगात्मक मूल्यांकन करवा दिया है, इसे आप लर्न कीजिएगा, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।